बेटमा थाना प्रभारी धीरेंद्र पाल सिंह चौहान को मुखबिर से सूचना मिली कि कल्याण संपत कॉलोनी काली बिल्लोद बेटमा में इंदौर के सटोरियों ने किराए से कमरा लेकर चेन्नई दिल्ली के बीच चल रहे आईपीएल मैच का सट्टा ले रहे हैं। उस कमरे में मोबाइल है, एलईडी सेटअप बॉक्स लगाकर लोगों को सट्टा ले रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी बेटमा द्वारा तत्काल एक टीम को कल्याण संपत कॉलोनी रवाना किया गया। अपनी सूझबूझ से तस्दीक करने पर कॉलोनी में एक कमरे में दो व्यक्ति मोबाइल के जरिए सट्टा लेने की बातचीत कर रहे थे और दीवार पर एलईडी लगी हुई थी जिसमें चेन्नई दिल्ली की टीम का मैच चल रहा है। कमरे की घेराबंदी कर आरोपी जिन्होंने अपना नाम तरस पिता देवीलाल जाति मराठा उम्र 25 साल निवासी 450 महालक्ष्मी नगर थाना लसूड़िया इंदौर और मयूर पिता दिलीप यादव उम्र 28 साल निवासी नंदा नगर इंदौर बताया है, जिनसे 7 मोबाइल एक एलईडी एक रजिस्टर जिसमें लाखों की हार जीत का लेखा जोखा जमा किया है 1890 रुपये नकदी बरामद की है। इस पूरी कार्यवाही में धीरेंद्र पाल सिंह चौहान, वीरेंद्र सिकरवार, पीएसआई रोशनी जैन, विक्रम सिंह फरहा, मोहन की भूमिका। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जुआ सट्टा एवं अवैध शराब को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान कल एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कल्याण संपत में कुछ लोग आईपीएल का सट्टा कर रहे हैं। सूचना पर थाने के उप निरीक्षक बीएस शिकरवार, रोशनी जैन, प्रधान आरक्षक विक्रम सिंह, प्रधान आरक्षक सुरेश, आरक्षक कमलेश एक टीम बनाकर इन्हें जो है कार्रवाई करने हेतु कल्याण संपत भेजा गया था, जहां पर इन लोगों ने दो व्यक्तियों को आईपीएल का सट्टा करते हुए दिल्ली चेन्नई मैच पर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा करते हुए पकड़ा है। सट्टे में सामग्री क्या थी सर? सट्टे में एक एलसीडी, 7 मोबाइल, एक लाखों के हार जीत के लेखा जोखे का रजिस्टर, 1850 रुपये नकदी आदि इन्होंने बरामद किए हैं। ये दोनों आरोपी कहाँ के रहने वाले सर? एक आरोपी हर्षित दर्शित जो है वो महालक्ष्मी नगर का है, इंदौर के रहने वाले मयूर, हाँ इंदौर, दोनों इंदौर के रहने वाले हैं।